हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पीयर टू पीयर मॉडल या जो एक एक सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, तो फ़ायदा इसका मैं बताऊंगा। पहले आप एन कंप्यूटिंग जो है इसके बारे में आप कुछ जानते होंगे। एन कंप्यूटिंग, एन कंप्यूटिंग क्या होता है? एन कंप्यूटिंग जो है वो उसके अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक सीपीयू होता है, एक सीपीयू के साथ क्लाइंट कंप्यूटर्स 6 से 7 कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें हर कंप्यूटर जो एक सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, तो यूज़र बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ से यूज़र अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। एन कंप्यूटिंग के बारे में भी वीडियो हमने बनाई हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ये जो हमारा कंप्यूटर एक हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, इसके ऊपर भी यूज़र अकाउंट्स होने चाहिए। मतलब दो बंदे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है भाई, हर बंदा अपने अपने अकाउंट से लॉग इन करेगा अपने कंप्यूटर के अंदर। उससे यह है कि जिस बंदे ने जो डाटा रखा होगा उसको वही दिखाया जाएगा, हर बंदे के अकाउंट में उसका अपना डाटा आएगा, हालांकि हार्ड डिस्क एक ही होगी। अगर हमने अकाउंट्स बनाने हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल पैनल के ऊपर जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं आया हूँ, यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे है अकाउंट्स पर, हम क्लिक करके यहाँ से इधर जा सकते हैं, अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर है चेंज अकाउंट टाइप, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है या नॉर्मल यूज़र है, रिमूव यूज़र अकाउंट, डिलीट करना है यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूज़र अकाउंट्स पर आए तो फिलहाल हम लोग ये करते हैं चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक करते हैं, परमिशन देते हैं इसे येस, और येस ये एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। एड अ न्यू यूज़र अकाउंट, यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन देगा जी। यहाँ से ऐड अ यूज़र, कोई एक यूज़र ऐड कर देते हैं जी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गेस्ट, जी जो EST गेस्ट, गेस्ट के बाद उसको हम पासवर्ड एक नॉर्मल सा बता देंगे, एक के यहाँ पर जो है वो डबल स्पेस है जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पर हम लोग, ये शो नहीं होगा क्योंकि स्पेस दे रहा हूँ मैं, या कोई डबल कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं भाईजान, आप AA टाइप करेंगे ना तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर री एंटर पासवर्ड, यहाँ पर इनको स्लैश देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी, ठीक हो गया। यहाँ पर री पासवर्ड हिंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये विंडोज इज ऑलरेडी यूजिंग दैट नेम, प्लीज एंटर ए डिफरेंट यूज़र। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं जी कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ये विंडो पहले इस्तेमाल कर रही है तो यहाँ पर हमने इरफान कर दिया। तो नेक्स्ट पर जब हम क्लिक कर देंगे तो ये यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया। अब नीचे हम इसको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये यूज़र यहाँ पर क्रिएट होके आ गया। इसको आप यहाँ पर राइट क्लिक करें या इसको इस तरह से ओपन करके यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। मेक चेंजेस टू दिस अकाउंट, अकाउंट का नाम, और ये चेंज द अकाउंट नेम, ये नाम को चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, या फिर अकाउंट की टाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं इसे, या स्टैंडर्ड यूज़र बनाना चाहते हैं, जो भी हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कैंसिल के ऊपर फ़िलहाल क्लिक करूँगा, ये तभी शो होगा जब हम नीचे क्लिक करेंगे तो कैंसिल, क्योंकि स्टैंडर्ड यूज़र तो पहले से है। डिलीट करना अकाउंट को, मैनेज अनदर अकाउंट, इसी अकाउंट से एक और अकाउंट मैनेज करना है या यहाँ से एक नया अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग कुछ इस तरह का सीखेंगे, मतलब यूज़र अकाउंट है, टास्क बार की सारी सेटिंग, यहाँ पर ऑटो हाइड सिर्फ लिखो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी आने वाली वीडियोस में काफ़ी कुछ जो है हम लोग सीखने वाले हैं, ये दो प्रैक्टिकल्स इकट्ठे सीख लेंगे, ठीक।